बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया। पटना के विकास भवन में स्थित शिक्षा विभाग के सभागार से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा की गई। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर मौजूद रहे। आज आपके सामने हम लोगों ने मिलकर जारी किया है मैट्रिक परीक्षा 2022 के परिणाम को। मुझे बेहद प्रसन्नता है और प्रसन्नता है कई कारणों से, और हम समझते हैं कि उन कारणों पर अगर आप भी गौर करेंगे तो आप भी बिहारवासी हैं और आपके माध्यम से अभी न जाने कितने बिहारवासी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उन सब को गर्व होगा अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उपलब्धियों पर। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष भी लगातार चौथे वर्ष हम पूरे देश में परीक्षाएं लेने से लेके नतीजे घोषित करने तक के मामले में अव्वल रह रहे हैं लगातार। ये कोई एक साल की कोई अब छिटपुट घटना नहीं रही, ये बता रहा है कि हमने परीक्षाएं लेने में भी और समय पर नतीजे घोषित करने में भी अपना स्तर या स्टैंडर्ड हमने बरकरार रखा है। हम समझते हैं कि आप में से कई लोग साक्षी रहे होंगे, आज से ठीक 15 दिन पहले 16 तारीख को, शायद 16 मार्च को हम लोगों ने यहीं से 2022 के इंटर परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे, और उस समय हम लोगों को लग रहा था कि शायद मार्च में हम लोग कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति न सिर्फ सराहना की बल्कि प्रशंसा के हकदार है कि उन्होंने मार्च में, आपको बताया अध्यक्ष जी ने कि अभी पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश के किसी समय परीक्षा समिति ने ये परिणाम घोषित नहीं किए, हम लोगों ने घोषित कर दिए। तो मैं सबसे पहले अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद जी और इनकी पूरी टीम को, कुल 16,11,099 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे जिसमें छात्रों की संख्या 8,20,179 थी और छात्राओं की संख्या 7,90,920 थी, 79.88% है। और इसमें कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,78,110 है और कुल उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 6,08,861 है। इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 4,24,597 है, द्वितीय श्रेणी में 5,10,411 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 3,47,637 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष जो परीक्षा में पूरे राज्य में वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप मोस्ट स्थान प्राप्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रामायणी राय जो पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद की छात्रा है और इन्हें कुल 487 अंकों की प्राप्ति हुई है जो कुल अंकों का 97.4% है। दूसरे नंबर पर दो संयुक्त रूप से छात्र और छात्राएं रही हैं, सुश्री सानिया कुमारी जो पुलिस हाई स्कूल रजौली नवादा की छात्रा हैं और विवेक कुमार ठाकुर जो न्यू उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिद्धार्थ परसाही मधुबनी के छात्र हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से 486 अंक प्राप्त हुए हैं और द्वितीय स्थान पर रहे हैं जो कुल अंकों का 97.2% है। और तीसरे स्थान पर रही हैं
सुश्री प्रज्ञा कुमारी जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय हजार वर्मा औरंगाबाद की छात्रा हैं और इन्हें 485 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 97% है। इस प्रकार कुल टॉप